और 1911 में एक और चीज हुई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल को मना कर दिया था कि अब पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं रहेगा, पहले जैसा हो जाएगा बंगाल। लेकिन एक बार वो तो एक था में खंडन हो गया, एक बार दरार डल गई तो डल ही गई हमेशा के लिए। 1913 में जिन्ना बन गए अध्यक्ष, 1914 में, और कांग्रेस इस समय वैक्यूम की स्थिति चल रही है, अभी निर्वात की स्थिति चल रही है, ज्यादा कुछ चल नहीं रहा। 1914 में जैसे ही पहला विश्व शुरू हुआ, 1914 में जैसे ही पहला विश्व शुरू हुआ, कब तक चला? 1918 तक। 1919 में ट्रीटी विटी हो गई थी, 1919 तक मान सकते हैं। तो 1914 से लेके 1918 के बीच में इंग्लैंड ने ये बोला कि हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे, आपको बहुत सारी लिबर्टीज देंगे और बहुत सारे संविधान सुधार करेंगे, लेकिन आप हमारी पहले विश्व युद्ध में मदद करो, फसल उगाओ, काम करो, ये सारी चीजें करो। अंग्रेजों ने बोल दिया 1914 में आप हमारी मदद कीजिए। गांधी जी ने बोला बिल्कुल सही बात बोल रहे हो ना, आजादी देने की कोशिश नहीं करोगे लेकिन संवैधानिक सुधार तो करोगे, भारत का शोषण तो कम करोगे ना। अंग्रेजों ने बोल दिया बिल्कुल करेंगे साहब। तो गांधी जी ने खूब प्रमोट किया अंग्रेजों को, हो सकता है ये बाकी में मान जाए भैया, तो गांधी जी ने प्रमोट किया, गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी गई। उस समय एक और व्यक्ति थे, 1915-16 में दो व्यक्ति थे, एक कौन थे? एनी बेसेंट, एक थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने बोला गांधी जी ये क्या कर रहे हो आप, यही तो मौका आया है, अब हम पहले विश्व युद्ध के बाद नहीं, पहले विश्व युद्ध के दौरान ही इनको तंग करो, यूरोप में इनको वो तंग कर रहे हैं, भारत में हम इनको तंग करते हैं तो ये हमको आजाद कर देंगे। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत ने बोला कि हमको अभी आंदोलनों को तेज करना चाहिए। तो इतने समय से भारत में जो शिशिरता चल रही थी, जो एक उदासीन माहौल चल रहा था, अब आंदोलन शुरू इसलिए होंगे ताकि इस दौरान जब इंग्लैंड विश्व युद्ध लड़ रहा है, गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अभी के अभी मांगना चाह रहे हैं क्या आजादी। बाल गंगाधर तिलक एनी बसंत ने कहा, तो उन्होंने क्या शुरू किए, दो होम रूलिंग आंदोलन। पहला कहां पर किया था? एक मतलब महाराष्ट्र में कौन संभाल रहा था? बाल गंगाधर तिलक। जिन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस, जिन्होंने उदारवादी लोगों से क्या कहा था? पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, ये कहा था उन्होंने। और वहां पे कौन संभाल रहा था? ठीक है, एनी बेसेंट संभाल रही थी। और बाल गंगाधर तिलक ने आपको पता ही है गणेश उत्सव और शिव उत्सव चालू किए थे कहां पे? महाराष्ट्र में। एनी बेसेंट संभाल रही थी अडयार चेन्नई में, और महाराष्ट्र को संभाल रहे थे। उसका कारण क्या था? इसी दौरान इनको परेशान करो। और 1916 में आपको पता ही है क्या हुआ था? 1916 में मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस ज्वाइंट सेशन हुआ था 1916 में। अब ये सारी चीजें हो गई। 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन भी चालू हो गए, ठीक है, होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग आंदोलन भी शुरू हो गए। 1917 में मौले मेंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909 में। अगला कब आएगा? 10 साल बाद, चेक करने के लिए। कब? 1919 में। 1917 में यह घोषणा की गई कि कृपया करके आप लोग इन आंदोलन को बंद कर दें, हम 1919 में जो आंदोलन ला रहे हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत और स्वतंत्रता दी जाएंगी। एनी बसेंट का हृदय परिवर्तन हो गया था रातों रात, और उन्होंने आंदोलन बंद कर दिए थे। और बाल गंगाधर तिलक कहां पे चले गए थे? केस लड़ने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। होम रूल आंदोलन ठप से बैठ गया। लेकिन अब जैसे ही 1919 में दूसरा विश्व समाप्त हुआ, गांधी जी कहने लगे लाओ हमको सारी की सारे प्रमोशन दो, हमको सारी आप आजादी देने की कोशिश करिए, और इसके साथ साथ जो आपने अलग से चुनाव करवाए थे इनको भी हटाइए, दलितों के लिए ऐसा कीजिए, भारत को थोड़ी और स्वतंत्रता मिलना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, वगैरह 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 की मांग की। 1919 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, थोड़े बहुत सुधार दे दिए, गांधी जी का दिमाग खराब हो गया। और उसी समय
एक बात बोली गई, जब भारत में 1919 की फरवरी में रॉलेट एक्ट आया तो गांधी जी का दिमाग खराब हो गया। रियल स्टोरी आज की हमारी यहीं से शुरू होगी, रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 को जब आया तो पंजाब में लगा दिया गया मार्शल लॉ, मतलब सैन्य कानून, मतलब जैसे कर्फ्यू लगता है ना, कर्फ्यू लग गया, किसी को अनुमति नहीं है बाहर जाने की वगैरह 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 वगैरह। रॉलेट एक्ट में बोलेगी इसमें दो तीन बातें, अगर अभी रॉलेट एक्ट चल रहा है, अभी मार्शल कानून चल रहा है, अगर इस दौरान कोई भी भारतीय पकड़ा गया कोई भी मुकदमा नहीं होगा, डायरेक्ट सजा मिलेगी। इसको बोला गया नो अपील और नो वकील और नो दलील, भग जलील, नो अपील, नो दलील और नो वकील, कोई अपील वकील नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी। गांधी जी का दिमाग खराब हो गया, तुमने हमसे इस पीरियड के दौरान क्या क्या वादे किए थे, मैंने तो घर घर जाके तुम्हारा प्रचार करा था और तुमने मेरे प्यार का इतना बुरा अंजाम दिया, बेवफा जालिम, दिमाग खराब हो गया गांधी जी का। अब गांधी जी ने बोला ये तो बड़ा बुरा किया, रॉलेट एक्ट, बाहर निकले आंदोलन करने कौन, सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू ने इसका विरोध किया, भारतीय तो नो वकील दो दलील, भारतीय को तो पहले दिमाग खराब हो रहा था। सैफुद्दीन किचलू जैसे इसको हटाने के लिए या इसका विरोध करने के लिए गए, उनको जेल में डाल दिया गया। भारतीयों का दिमाग खराब हो गया, ये सैफुद्दीन किचलू जो व्यक्ति वो तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, नो वकील दो नो दलील के खिलाफ, अंग्रेजों ने हमसे प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस भी पूरे नहीं हुए। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में, जिसकी ऊंचाई बहुत थी जलियांवाला बाग की, उसमें एक ही एंट्री गेट था, एक ही एग्जिट गेट था, 20-20 फीट की ऊपर से इमारतें थी पंजाब में, जबकि वहां पे मार्शल लॉ लग रहा था। अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया, गए मारने लगे, धनाधन फायरिंग की, पूरे 300-400-500 भारतीयों को निपटा दिया और उसके बाद और ज्यादा आग में घी डलने का काम हो गया। अब गांधी जी हालांकि अहिंसक तरीके से लेकिन एक बड़ा मौका ढूंढ रहे थे, वो मौका उनको तब मिला जब 1919 में जो ब्रिटेन ने तुर्की के साम्राज्य से, ऑटोमन साम्राज्य से एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध में, जैसे ही पहले विश्व युद्ध में हम जीत जाएंगे, खलीफा के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, खलीफा का सपोर्ट करेंगे, उन्होंने किया नहीं। तो खलीफा का सपोर्ट नहीं किया या खलीफा की इज्जत नहीं की, तो ये जो पूरे विश्व के मुस्लिम लोग थे उनके दिल को ठेस पहुंची। गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक ने कहा ये जो आंदोलन इंटरनेशनल चल रहा है इसको भारत में लाओ, अगला 100 साल में ऐसा मौका, ये उन्होंने कहा था, अगले 100 साल में ऐसा मौका नहीं आ सकता कि हम हिंदू मुस्लिम लोगों को मिला पाए आपस में, क्योंकि 1905 में और 1906 में क्या हो गया था आपको पता है। तो अब वो जो इंटरनेशनल आंदोलन चल रहा था, लेकिन सभी के धार्मिक गुरु तो खलीफा, वो भारत में आ गया 1919 में। आंदोलन में सारे मुस्लिम लोग भाग ले रहे हैं, कौन नहीं ले रहे, हिंदू लोग। चलो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इसमें हिंदुओं को भर्ती कराते गए, तो दो आंदोलन एक साथ चलेंगे। आप समझ में आ रहा है ना, एक तो कौन सा खिलाफत आंदोलन, एक कौन सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मतलब क्या, आप हिंसक तरीके से कुछ भी मत करो, स्कूल मत जाओ, फसल मत उगाओ, बिजनेस मत करो, कुछ चीज मत खरीदो, असहयोग करो, अपने आप पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी इंग्लैंड की, कुछ नहीं कर पाएगा इंग्लैंड। असहयोग आंदोलन चला और खिलाफत आंदोलन चला, लेकिन फिर बाद में तुर्की के हालात सुधर गए और उन्होंने ही लोकतंत्र को अपनाने से पूरी तरह मंजूरी दे दी और तुर्की फिर एक वो देश बन गया और उसके बाद खिलाफत आंदोलन तेजी से बैठ गया। और असहयोग आंदोलन दरअसल फरवरी 5, 1922 में कुछ ऐसा हुआ कि गांधी जी को अपने पैर वापस लेना पड़े और गांधी जी चोरा चोरी कांड हुआ फरवरी 5, 1922 को, हिंसक तरीके से वो चोरा चोरी कांड हुआ था, इसलिए गांधी जी का दिमाग खराब हो गया और गांधी जी ने तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अच्छी तरीके से जानते थे राइट प्लेस एट द राइट टाइम, क्या करना है क्या नहीं करना, आंदोलन में एकदम परफेक्शन का काम करते थे, इस डेट को चालू, इस डेट को खत्म।
परफेक्शन थी टाइमिंग में उनकी, जो करते थे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टाइमिंग आंदोलन करते थे, लेकिन कभी कभी वो टाइमिंग खराब भी हो गई। तो 1922 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू। जब पहले विश्व युद्ध के बाद रशिया में साम्यवाद आ चुका था, मार्क्सिज्म की भावना और चल रही थी, 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। एक सेकंड रुकिएगा, एक और चीज बताना है आपको, एक और चीज भूल गया था मैं, एक और चीज बता देता हूं। 1922 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन समाप्त, चोरा चोरी इंसिडेंट, उसी समय एक पार्टी बनी, स्वराज पार्टी, इसको समझ लीजिए। किस किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। स्वराज्य पार्टी जब बनी 1922 में, तो स्वराज्य पार्टी का ये कहना था हमको स्वराज्य चाहिए। मतलब कांग्रेस में क्या चल रहा था, दो पक्ष हो गए कांग्रेस में, एक पक्ष कह रहा है इनके कानून वानून गए भाड़ में, स्वराज्य चाहिए हमको। दूसरा पक्ष कह रहा है यार ऐसे अगर आप बाहर से विरोध करोगे तो बाहर से विरोध करने से कुछ भी नहीं होने वाला। स्वराज पार्टी ये बोलती थी आप जाओ खड़े हो चुनाव लड़ो जीत के आओ संसद में जाओ। ये जो बात आप कह रहे हो ना खराब है, संसद में जाके बोलो, बाहर से चलने से क्या हुआ। इसलिए बनी थी स्वराज पार्टी, और कोई एजेंडा नहीं था कि संसद में जाओ, संसद में उनको बताओ क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है, यहां चलाने से क्या होगा, इसलिए स्वराज पार्टी बनी। 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत की साम्यवादी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जो कि पूरी तरीके से रशिया में आए साम्यवाद और मार्क्सिज्म से प्रभावित होकर स्थापना की गई थी। एक मिनट रुकिए, एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले मैंने आपको, थोड़ी देर पहले यह बताया था कि शुरुआत में कांग्रेस में मिडिल क्लास, बाद में कांग्रेस से कृषकवाद और जुड़ा, ये जब बनी तो और ज्यादा कृषकवाद जुड़ने लग गया क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम है। फिर जब 1934 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनेगी तो क्या होगा, जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फिर और जाके जुड़ेंगे, आंदोलन तो मैंने यही करेंगे। ये सारी चीज हुई, इसकी स्थापना हो गई। बी आर अंबेडकर का सीन चल रहा है इस दौरान, गांधी जी का अलग सीन चल रहा है इस दौरान, सबके अपने अपने अलग एजेंडे चल रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कुछ और मांग रहे हैं, अलग से सुधार मांग रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। बीच में थोड़ा सा वैक्यूम का पीरियड आ गया था, निर्वात का पीरियड, तो बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हुई। इसी बीच 1919 में जो हमारा मॉन्टगे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, जिसकी समीक्षा 10 साल बाद होनी थी, इंग्लैंड में राजनीतिक माहौल परिवर्तन होने लगा और इंग्लैंड में जो सत्ता में कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, उसके खिलाफ जो लेबर पार्टी थी, वो लेबर पार्टी जीत गई। कंजर्वेटिव पार्टी को हारने का डर पहले ही था और वो सोच के भी चल रही थी इस साल हम चुनाव नहीं जीत पा रहे। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने क्या सोचा, भारत तो इतना बड़ा उपनिवेश इंग्लैंड के लिए, कंजर्वेटिव पार्टी तो बहुत सालों से है, लेबर पार्टी तो सन 1900 में बनी है, तो लेबर पार्टी को सत्ता चलाने का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो अगले साल मान लो लेबर पार्टी आ गई, वो तो हमारा उपनिवेश पूरी तरीके से हटाई देगी। तो 1919 में 10 साल बाद 1929 में आना था, उसकी घोषणा हुई कि 1927 में क्या घोषणा हुई, साइमन कमीशन आएगा 1928 में। एक साल पहले क्यों लाया गया था उसको, कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटेन में वो चल रहा था, ये जब साइमन कमीशन आने की बात की गई, आना क्यों था, संवैधानिक सुधार, संवैधानिक सुधार, संवैधानिक सुधार भारतीय करेंगे भारत का या इंग्लैंड करेगा भारत का। 7 सदस्यों की टीम आई किसके लिए, साइमन, साइमन कमीशन होना क्यों था, 1919 में जो करा है उसमें और ज्यादा कुछ अच्छा करने की जरूरत है क्या, और ज्यादा सुधार देने की जरूरत है क्या, भारत के सुधार। 7 व्यक्ति आए इंग्लैंड से, कभी भारत में विजिट नहीं की, वो सारे व्यक्ति साइमन कमीशन के मेंबर हो गए। दिमाग खराब हो गया भारतीयों का कि कम से कम इसमें 2-3 मेंबर भारत के तो होना चाहिए, तो उन्होंने बोल दिया बिल्कुल भारत के मेंबर नहीं होंगे। तो साइमन कमीशन का विरोध किसने किया,
लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठी चार्ज के दौरान। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कहां पे हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, भगत सिंह का दिमाग खराब हो जाएगा, 1927 में लाला लाजपत राय की मृत्यु, और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने कर दी। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, जो कि पूरी तरीके से क्रांतिकारी विचारधारा का था, रेवोल्यूशन था सोच में, उसकी स्थापना हो गई 1928 में। साइमन कमीशन का मेन विरोध यह था कि पूरे 7 सदस्य में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं है। साइमन गोबेक के नारे भी लगे इसमें। अल्टीमेटली साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और अपनी मनगढ़ंत कानून बना दिए, और फिर भारतीयों से बोला गया कि तुम विरोध काहे का कर रहे हो, ये बताओ हमें आखिरकार तुम विरोध कर रहे हो, विरोध किस चीज का कर रहे हो? कि सर हमें भी संविधान सुधारना था, हमें भी 7 सदस्यों की टीम में सोना था, तुम बनाओगे कानून। आपकी किसी की भी वो नहीं है इतनी इंटेलिजेंस, इतने बड़े बुद्धिजीवी नहीं हो आप कि आप कानून बना सको। दिमाग खराब हो गया मोतीलाल नेहरू जी का, हाथों हाथ 1928 में नेहरू रिपोर्ट बना दी। आप बोल रहे थे ना हम सुधार नहीं कर सकते और उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, तो नेहरू रिपोर्ट क्यों आई थी? साइमन कमीशन में उन्होंने जो बोला था आप कुछ नहीं कर सकते, 1928 में नेहरू रिपोर्ट इसलिए आई थी। आया समझ? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेहरू रिपोर्ट भी आ गई भैया, ठीक है। अब थोड़ी जल्दी 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 सुधार होना शुरू होंगे, एकदम पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता जाएगा। साइमन कमीशन भारत में आ तो गया, साइमन कमीशन को लागू नहीं होने दे रहे भारतीय, तो अंग्रेजों में से एक व्यक्ति जो थे उनको समझ में आ गया कि ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता है, दबंग मिस्टर सलमान खान गांधी जी से जाके बात करना पड़ेगी, जब उनसे बात करेंगे तो वही हमारी मदद करेंगे भारत में कानून लगाने। 1930 में गांधी जी बिजी हो गए सॉल्ट सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में, डांडी मार्च में, गांधी जी ने मना कर दिया, मैं नहीं मानूंगा। लॉर्ड इरविन नाराज हो गए, लॉर्ड इरविन ने कहा हम आपके साथ मिलकर नया कानून बनाएंगे, भाड़ में जाने दो साइमन कमीशन में जो आया था, उसके लिए आपको लंदन में चलना पड़ेगा, मना कर दी। सॉरी पहली में ऐसा नहीं हुआ था, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुई थी उसमें गांधी जी जाने से मना कर दिया था, गांधी जी नहीं गए थे। जब तक गांधी जी नहीं जाते तब तक मजा तो आने नहीं था, तो फिर लॉर्ड इरविन गए गांधी जी के पास, गांधी जी को समझाया, गांधी जी को मनाया, बहुत सारी चीजें कही, उन्होंने कहा हम आपकी बात मानने के लिए तैयार है। 1902 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन चले गए थे? गांधी जी चले गए थे। जब वहां पे गए कुछ अलग ही सीन हो गया, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से नकार दिया जो सारी बातें थी, गांधी जी का दिमाग खराब हो गया, गांधी जी वापस लौटे आए। बीआर अंबेडकर गए थे तो बीआर अंबेडकर अपनी अलग राजनीति चलाने लगे। अच्छा एक मिनट रुकिए, नमक आंदोलन में सुट के गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ले जाए दूसरी, क्यों? गांधी जी क्या थे आपको पता है? अन्ना हजारे को गांधी जी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है उनको पता है आपको? अन्ना हजारे की तुलना गांधी जी से क्यों की जाती थी? क्यों? एक आंदोलन चल रहा है, पीक पॉइंट पे पहुंच गया, अंग्रेज आए, गांधी जी को बोला कुछ भी, गांधी जी मान गए, अंग्रेजों ने अपनी बात जो गांधी से कही थी, और गांधी जी एक मिनट रुके, आंदोलन चल रहा है पीक पॉइंट पे पहुंच गया, अंग्रेज घबरा रहे, रिवॉल्यूशनरी टेंशन हो रही है, क्रांतिकारी प्रेशर बढ़ रहा है, अंग्रेज गए गांधी जी के पास, हाथ पैर जोड़े मान जाओ, गांधी जी मान गए, आंदोलन बंद कर दिया, अगले दिन गांधी जी अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए। सॉल्ट सत्याग्रह चल रही है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो चुकी है, भगत सिंह ने एक पार्टी बना ली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, पॉलिटिकल और रिवॉल्यूशनरी प्रेशर आ रहा है, गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह चालू कर दिए, साइमन कमीशन को कोई मान ही नहीं रहा है, गांधी जी के पास जाओ, गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आए पहली में, कोई बात नहीं दूसरे में बुला के लाओ। गांधी जी के पास गए, शांत करा, समझाया, आंदोलन बंद करा, वहां पे चले गए, अंग्रेज अपनी बातों से मुकर गए। अन्ना हजारे बैठे, बेहतरीन आंदोलन अपने पीक पॉइंट पे चल रहा है, राहुल गांधी आ रहे, सब आ रहे, कांग्रेस के सारे नेता आ रहे, मान जाओ कछु तो मान गए, आंदोलन बंद,
अगले दिन से कांग्रेस अपनी बात से मुकर गई। गांधी जी और अन्ना हजारे बीच में से आंदोलनों से उठ जाते थे, इसलिए उनको बोला जाता है भारत गांधी से तुलना क्यों की जाती है अन्ना हजारे की, दोनों ही उठ जाते थे। और अगले दिन दो पांच दिन बाद फिर से तैयार होके बढ़िया कोट पैंट पहन के फिर से रामलीला मैदान। अब एक बार जो आंदोलन बंद हो गया, लोग बाबू के पास इतना टाइम थोड़ा है, इसीलिए ये थी अंग्रेजों की चाल। और फिर गांधी जी का दिमाग खराब हो गया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही आंदोलन करने पहुंच रहे थे गांधी जी, जेल में बंद कर दिया। उधर बी आर अंबेडकर कहां पे पहुंच गए, लंदन में। क्यों? बी आर अंबेडकर जो कि अकाउंटेंट थे, जो कि 1918 में कांग्रेस जो कि 1918 में बॉम्बे के एक कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने, दलित वर्ग का भारत का उस दौरान बहुत शोषण चल रहा था, आप सभी को मैं बता चुका हूं दहन दिवस 1927 25 दिसंबर भीमराव अंबेडकर किसकी उसमें चाहते थे मदद करना चाहते थे, जितनी भी एससी एसटी कैटेगरी या दलित लोग थे, बी आर अंबेडकर ने जाके अपना अलग एजेंडा रख दिया कहां पे, इंग्लैंड में, कि हमको दलितों के लिए अलग से चुनाव चाहिए। गांधी जी ने बोला ये क्या कर रहे हो, अगर अलग से चुनाव मांगोगे तो वो तो पहले से ही कर दिए, ऐसे तो भारत के पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा मत करो। भीमराव अंबेडकर ने कहा मैं नहीं मानूंगा। गांधी जी ने कहा चलो मैं भी 20 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। नेहरू जी ने जाके समझाई उनको ये बातें बी आर अंबेडकर को, देख लो यार वैसे ही बुजुर्ग आदमी है तुम, अभी निमट गए तो पूरे धरे रह जाएंगे आंदोलन, पूरे आंदोलन धरे रह जाएंगे गांधी जी चले गए तो, देख लो यार समझ लो यार थोड़ा कुछ ये। और वो तो गए कहां पे, बी आर अंबेडकर के पास। बी आर अंबेडकर मैं नहीं मानूंगा तो ये मानने पड़ेगी, कौन ने गई, कांग्रेस के नेताओं ने, बिल्कुल बी आर अंबेडकर मान गए, गांधी जी से मिलना गए पूना पे, इसी को कहा जाता है पूना समझौता, जेल में जो हुआ था क्योंकि उस समय वो पूना की जेल में थे। और वो गांधी इरविन समझौता तो याद है ना आपको, गांधी इरविन समझाया था अभी मैंने आपको कि साइमन कमीशन वगैरह नमक सत्याग्रह में से उठा के ले गए थे, वही गांधी इरविन पैक्ट है, और अब हो गया पूना पैक्ट। और फिर गांधी जी ने बात की अलग से चुनाव नहीं हम रिजर्वेशन देंगे, वो पूरा एससी एसटी एक्ट यहीं से औपचारिक रूप से शुरू होता है क्योंकि रिजर्वेशन की बात यहां पर सारी चीजें हो गई। 1935 में जो पहले कानून थे उसको थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा के ये सारी बातें हो गई। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, 1939 में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी इंडियंस ने और इंग्लैंड ने एक बहुत भयंकर गेम खेला। इंग्लैंड के जो नेवर चेंबरलिन थे उन्होंने महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना से की कहा तुम हमारी इस युद्ध में मदद कर दो, हम तुम्हें दे देंगे। गांधी जी पहले एक बार मूर्ख बन चुके थे, गांधी जी की अब इतनी हिम्मत नहीं थी दूसरी बार मूर्ख बनने की, मोहम्मद अली जिन्ना उनकी बातों में आ गए और फिर जो गांधी जी को दर्जा इंग्लैंड देती थी अब वो मोहम्मद अली जिन्ना को देने लगी। और मोहम्मद अली जिन्ना से नेवर चेंबरलिन और पार्टी ने प्रॉमिस किया आप हमको निल लिथगो और नेवर चेंबरलिन ने बोला मोहम्मद अली जिन्ना से आप हमारे साथ लड़िए हम आपके लिए एक नया राष्ट्र बनवाएंगे। ये बातें कहीं तो मोहम्मद अली जिन्ना वेरी हैप्पी और गांधी जी नकारते गए, मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट करते गए। 1939 में सहयोग देने की बात आ गई, ये सारी चीजें हुई। 1942 में क्या आएगा, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मतलब क्या आया है, ये क्यों आया है, ये क्रिप्स मिशन मतलब यही सारी बातें, मदद कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हम अगले साल ऐसा कर देंगे, हम एक साल बाद ऐसा कर लेंगे। गांधी जी ने कहा ये तो अगली डेट का चेक है। क्या बोला, क्रिप्स मिशन अगली डेट का चेक है, कब होगा दूसरा विश्व युद्ध खत्म, कब दोगे हम तुम हमें आजादी दोगे। नेहरू ने ये बोल दिया उसमें ये अगली डेट का तो चेक है और ये ऐसी बैंक का चेक है जो बैंक ही नष्ट होने वाली है। लाला लाजपत राय ने एक चीज बोली थी जब वो लाठी चार्ज में घायल हो चुके थे और मरने की अवस्था में थे कि मेरी कब्र पे मेरी ताबूत पे ठुकने वाली एक एक कील इंग्लैंड के साम्राज्य के ताबूत में ठुकने वाली एक, वही तो करा फिर भगत सिंह एंड पार्टी ने, हरा है ना समझ में।
करो या मरो वगैरह के नारे दी गांधी जी ने। क्रिप्स मिशन आ गया, कहा मैं नहीं मानूंगा, लिखित में दो तो ही मैं मानूंगा। अगली डेट का चेक है और एसी बैंक का चेक है, ये तो नष्ट होने वाली है। उन्होंने बोल दिया बिल्कुल सर, हम आपको लिखित में दे देते हैं। उसी समय इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर लिया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस आर्मी लेके हिटलर की मदद करने पहुंच गए, इंग्लैंड और घबरा गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद क्या हो गया, क्या हो गया, संविधान सभा बन गई और 1947 में भारत को आजादी मिल गई। 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध एक और बार हो गया। 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिला दी। 1999 में कारगिल युद्ध हो गया। 2013 में चुनाव हो गए। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आ गई। 2015 में मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कूप इंजाम लगाए जा रहे हैं। हमारा एजेंडा ये था कि हमें आजादी के बाद थॉट प्रोसेस ये थी इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, लेकिन क्या हम वाकई में समावेशी विकास कर पाए? क्या आज हम दलित को वही मेन स्ट्रीम समाज की मुख्य धारा में, विचारधारा में, मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में ला पाए क्या? आज जो महिलाएं हैं उनको शक्ति प्रदान कर पाए क्या? जो कमजोर वर्ग है उनको शक्तियां दे पाए क्या? और अगर ऐसा कर पाए तो हम एक और चीज कर पाए क्या कि इंक्लूसिव ग्रोथ के खिलाफ क्या भारत के 7-8 राज्यों में पनपने वाले और ज्यादा बढ़ने वाले नक्सलवादी क्या इंक्लूसिव ग्रोथ के काम खिलाफ नहीं कर रहे हैं क्या? बहुत सारे चैलेंजेस है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको 3 टाइमलाइन कल दे देंगे, पूरा कवर कर लेना आप लोगों को।